कुछ लोगों की चाहत होती है कि जब भी सुबह उनकी आंखें खुले तो सामने चमकता हुआ हिमालय और लाली बिखेरता सूरज दिखाई पड़े। अपनी इस तमन्ना को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो उत्तराखंड का खूबसूरत हिल स्टेशन मुनस्यारी आपको बुला रहा है। हिल स्टेशन तो लगभग सभी खूबसूरत होते हैं, लेकिन हर हिल स्टेशन की अपनी एक अलग खूबसूरती, अपनी एक अलग पहचान होती है। उत्तराखंड की चोटी पर बसा पिथौरागढ़ जिले का मुनस्यारी बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। समुद्र तल से 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुनस्यारी को मानो कुदरत का एक वरदान प्राप्त है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, बर्फीली चोटियाँ, हरे भरे घास के मैदान, सुंदर जंगल, हिमालय वनस्पतियों और वन्य जीवन के लिए मुनस्यारी विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। मुनस्यारी की खूबसूरती को देखते हुए इसे उत्तराखंड का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। तिब्बत और नेपाल सीमा के करीब यह पहाड़ी शहर साहसिक ट्रेवलर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आइए आज आपको लेकर चलते हैं मुनस्यारी और साथ में आपको बताएंगे कि कैसे आप मुनस्यारी घूमने आ सकते हैं, क्या है सही, आसान और सस्ता तरीका मुनस्यारी को घूमने का। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। तो चलिए फिर आज घूमते हैं मुनस्यारी। तो चलिए अब बात करते हैं कि मुनस्यारी कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो मुनस्यारी का नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर में स्थित है। पंतनगर एयरपोर्ट से मुनस्यारी के बीच की दूरी 370 किलोमीटर है। ये दूरी आपको बाय रोड ही तय करनी पड़ेगी। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम और टनकपुर में है। काठगोदाम से मुनस्यारी के बीच की दूरी 278 किलोमीटर और टनकपुर से मुनस्यारी के बीच की दूरी 273 किलोमीटर। इसके बाद की ये दूरी आपको बाय रोड ही तय करनी पड़ेगी। तो चलिए बाय रोड ही बात कर लेते हैं कि मुनस्यारी कैसे पहुंचा जाए। दिल्ली से अगर बात करें तो दिल्ली से डायरेक्ट बस भी मुनस्यारी तक चलती है, जिसमें किराया रहता है 950 रुपए। ये एक ऑर्डिनरी बस है जो उत्तराखंड रोडवेज की है। इसके अलावा आप चाहें तो दिल्ली से हल्द्वानी तक भी आ सकते हैं। हल्द्वानी तक आने के लिए आपको एसी जनरथ, एसी वोल्वो और ऑर्डिनरी सभी तरह की बसेस मिल जाएंगी। वोल्वो सुपर लग्जरी बस में किराया 819 रुपए, एसी जनरथ में 536 रुपए और ऑर्डिनरी बस में मात्र 370 रुपए लगता है। ये बसेस रेगुलर इंटरवल पर हल्द्वानी तक चलती रहती हैं। हल्द्वानी से आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी, शेयर टैक्सी और बसेस से मुनस्यारी तक पहुंच सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी वाले चार्ज करेंगे 6000 से 6500 के समथिंग, जो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। शेयर टैक्सी में 700 रुपए पे करने के बाद आप हल्द्वानी से मुनस्यारी पहुंच सकते हैं। वहीं बसेस में 550 रुपए पे करना होगा और आप हल्द्वानी से मुनस्यारी पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर कन्वेंस यूज किया जाता है वो है शेयर टैक्सी। इसके अलावा अगर आप नैनीताल घूमने आए हैं तो नैनीताल से भी मुनस्यारी घूमने जा सकते हैं। नैनीताल से मुनस्यारी के बीच की दूरी 261 किलोमीटर है। यहां से आपको शेयर टैक्सी और बसेस के ऑप्शन मिल जाएंगे। मुनस्यारी तक जाने वाले रास्ते अपने आप में बेहद खूबसूरत होते हैं, तो मुनस्यारी तक का जो रोड साइड एडवेंचर है वो अपने आप में बहुत ही खास होता है। देखिए हमारे मित्र कुछ लेके आए हैं वहाँ से, अभी उनसे देखते हैं क्या क्या लेकर आ रहे हैं। लग रहा है हाथ में मोटे मोटे नींबू हैं, उत्तराखंड के मोटे मोटे नींबू दिखाते हैं आपको। ये कुमाऊं क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मित्र आ जाओ, क्या लेकर आए हो? नींबू, पहाड़ी नींबू। ये देखो, ये देखो क्या नींबू का साइज है। मेरे एक पूरे हाथ में ये नींबू आ रहा है, साइज देख रहे हो आप, मेरे हाथ के बराबर का नींबू। बहुत से टूरिस्ट बाइक से भी मुनस्यारी टूर करते हैं। बाइक से मुनस्यारी टूर करना अपने आप में एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस रहता है। आप चाहें तो अपनी पर्सनल कार या बाइक से भी जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बाइक आना चाहते हैं तो मात्र 2500 से 3000 रुपए आपका पेट्रोल में खर्च होगा और आप दिल्ली से मुनस्यारी पहुंच जाएंगे। बाइक टूर भी बहुत से टूरिस्ट मुनस्यारी तक करते हैं। ये होता है मुनस्यारी तक पहुंचने का तरीका। लेकिन मुनस्यारी पहुंचने से पहले जो रोड साइड एडवेंचर है वो मुनस्यारी का सबसे खास अट्रैक्शन है। मुनस्यारी की रोड ट्रिप एक बहुत एडवेंचर से भरी हुई एक यात्रा रहती है। रास्ते में आप ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ देखेंगे जो बेहद ही खूबसूरत एक्सपीरियंस देते हैं हमारी यात्रा को। जगह जगह आपको खूबसूरत लैंडस्केप, सीनिक व्यू देखने के लिए मिलेंगे। बार बार आपको ऐसा लगेगा कि हमें रुकना चाहिए और इन सभी सीनिक व्यू को एंजॉय करना चाहिए। कुछ जगह तो रोड बेहद संकरा भी हो जाता है। रास्ते में आपको बेहद ही खूबसूरत गांव देखने के लिए मिलेंगे। कुछ जगह ऐसी हैं जो एकदम से रिमोट एरिया हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क तक भी काम नहीं करता है। आसपास में
कोई भी दुकान मकान या कुछ भी मौजूद नहीं है, पूरी तरह से रिमोट एरिया है। ये 10 से 15 किलोमीटर का एक एरिया ऐसा पड़ता है जो पूरी तरह से रिमोट। उधर हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ पर अभी चाय बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, चाय बनाएंगे, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ नहीं है, एकदम रिमोट एरिया है। यहाँ तक कि मोबाइल का नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो पूरी तरह से रिमोट एरिया है। तो कुछ नहीं है आसपास, बस घना जंगल, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ये एक सुंदर सा प्यारा सा झरना, और यहाँ पर ये देख सकते हैं कैसे पानी रोड पे से बहता हुआ नीचे जा रहा है उधर। कोरी गंगा नदी के खूबसूरत नज़ारे आपको पूरे रास्ते देखने के लिए मिलेंगे। रास्ते में बहुत से वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जगह जगह लैंडस्लाइड जोन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो अपने आप में एक डेंजरस और एडवेंचरस एक्सपीरियंस देते हैं। देख लो मुंशियारी की खूबसूरती, अगर देखना चाहते हो। अभी तो काफ़ी दूर रह गया मुंशियारी यहाँ से, करीब 50 से 60 किलोमीटर, लेकिन यह देखिए क्या खूबसूरत व्यू, मैं क्या बताऊँ, बस जबरदस्त रास्ते, मतलब रोड साइड एडवेंचर मुंशियारी तक का बहुत ही धांसू। ये एक लोहे का ब्रिज है जहाँ हमने अभी गाड़ी सामने रोकी है, और सिर्फ सिर्फ इस व्यू को एंजॉय करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि अच्छे से आप देख पाएँ। ये नैनीताल, मसूरी, शिमला, मनाली सब फेल, एक बार मुंशियारी एक आकर देखिए, सच में जन्नत। लेह लद्दाख नहीं जा सकते तो मुंशियारी आ जाइए, वाकई में भाई साहब बहुत अल्टीमेट है, देखते जाइए, बस आप निहारते जाइए। दोस्तों ये खूबसूरती देखने के लिए हम मुंशियारी आए हैं। मुंशियारी अभी यहाँ से 35-36 किलोमीटर रह गया है, और रास्ते की जो ब्यूटी है वो अल्टीमेट है, जैसा कि मेरे पीछे आसपास आप देख पा रहे होंगे। यही ब्यूटी, यही सुंदरता हमें यहाँ खींच लाती है, जो हम प्लेन एरिया में नहीं देख पाते, हिल पर आना पड़ता है। बर्फ़ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत के व्यूज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुल मिलाकर मुंशियारी तक का जो सफर है बेहद ही एडवेंचर से भरा हुआ होता है, इसीलिए बहुत से टूरिस्ट बाई बाइक या अपनी पर्सनल कार लेकर आते हैं। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल लाते हैं तो आप इस टूर को, इस ट्रिप को ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि रोड साइड एडवेंचर मुंशियारी का किसी भी हिल स्टेशन की कंपैरिजन में बेहद ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रखता है। अगर आप गर्मी के मौसम में आते हैं तो आपका रास्ता बेहद ही खूबसूरत और सुंदर देखने के लिए मिलेगा, हरे भरे जंगल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप सर्दी के मौसम में आते हैं तो रास्ते में आपको स्नो देखने के लिए मिलेगी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, रास्ते बंद मिल सकते हैं, और मानसून सीजन में तो लैंडस्लाइड की परेशानी तक हो जाती है। तो ऐसे में गर्मियों में अगर आप आते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहता है। तो ये तो हुई मुंशियारी तक आने की बातें, वहाँ के रोड एडवेंचर से संबंधित बातें। चलिए अब बात करते हैं कि मुंशियारी पहुँचने के बाद स्टे कहाँ करना है, कहाँ रुकना है। मुंशियारी पिथौरागढ़ जिले का हिमालय पर्वत पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। यहाँ बहुत सारे होटल्स, गेस्ट हाउस और रेजोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिनमें किराया मात्र 500 रुपए से 1500 रुपए रहता है। मुंशियारी एक ऐसा शहर है जहाँ आपको ऑनलाइन बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑन द स्पॉट भी अच्छे होटल देखने के लिए मिल जाएंगे। वहाँ के टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड के आसपास ही चारों तरफ बहुत सारे होटल्स हैं, जो भी आपको पसंद आए उसे आप बुक कर लीजिए और नाइट स्टे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पीछे मुंशियारी का बस स्टैंड, यहीं से ही आपको बसेस वगैरह मिलेंगी जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। उसके अलावा शेयर टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी भी आप यहीं से ही हायर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मुंशियारी में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। मुंशियारी में तीन ऐसी जगह हैं जो मुंशियारी आते वक्त रास्ते में ही पड़ती हैं। उनमें से पहली है बिरथी वाटरफॉल। बिरथी वाटरफॉल जिस पॉइंट पर स्थित है वहां से मुंशियारी की दूरी 33 किलोमीटर है, यानी मुंशियारी से 33 किलोमीटर पहले बिरथी वाटरफॉल है। आप चाहें तो यहां रुककर बिरथी वाटरफॉल को देखने जा सकते हैं। आसपास में खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, और अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है रोड साइड ही बिरथी वाटरफॉल को देखने का। इसके बाद आप बिरथी फॉल से जब 21 किलोमीटर आगे आएंगे मुंशियारी की ओर, तो आपको देखने के लिए मिलेगा खलिया द्वार। खलिया द्वार वो जगह है जहाँ से खलिया टॉप के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। ये ट्रैकिंग करीब 4 से 5 किलोमीटर की रहती है। इस ट्रैकिंग को शुरू करने से पहले आपको एंट्री टिकट लेना होगा, जो 20 रुपए रहता है। रोड साइड ही पार्किंग है, आपकी कार, बाइक या जो भी आप लेकर आए हैं उसको वहीं पार्क करना होगा, और आप खलिया टॉप की ट्रैकिंग करने जा सकते हैं। खलिया टॉप की ट्रैकिंग पूरे भारत में बहुत पॉपुलर है।
बहुत से टूरिस्ट जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं, वो खलिया टॉप देखने जरूर जाते हैं। यहाँ से आप माउंटेन रेंज के बहुत ही खूबसूरत व्यूज देख सकते हैं। बहुत ज्यादा स्नो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी और माउंटेन के पीक पर आप पहुंचेंगे। यहाँ पर KMVN यानी कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस भी अवेलेबल है, जिसमें 8 से 10 कमरे हैं जो सीजनल ऑपरेटेड रहते हैं। आप चाहें तो खलिया टॉप में स्टे भी कर सकते हैं। खाने पीने के लिए भी यहाँ पर अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा खलिया टॉप से 1 किलोमीटर आगे आने के बाद आप एक पॉइंट पर पहुंचेंगे जिसका नाम है थमरी कुंड हाइक ट्रेल। थमरी कुंड हाइक ट्रेल से ट्रैकिंग शुरू होती है थमरी कुंड तक के लिए। ये ट्रैकिंग मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की रहती है। मुनसियारी से 11 किलोमीटर पहले ये पॉइंट स्थित है। आप चाहें तो थमरी लेक देखने के लिए भी जा सकते हैं। तो ये 3 जगह ऐसी हैं जो मुनसियारी पहुंचने से पहले ही हम कवर कर सकते हैं। आप चाहें तो मुनसियारी जाते वक्त इन सभी पॉइंट्स को कवर कर लीजिए, या फिर रिटर्न आते वक्त भी इसको कवर कर सकते हैं, या फिर मुनसियारी स्टे करते हुए भी आप इन सभी जगहों को कवर कर सकते हैं। लेकिन इन सभी 3 पॉइंट को आप तभी कवर कर पाएंगे जब आप अपनी पर्सनल कार, बाइक या रेंटल टैक्सी लेकर आते हैं। तो शेयर टैक्सी या बसेस से आप इन पॉइंट्स को कवर नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि मुनसियारी पहुंचने के बाद आपको कहां कहां घूमने जाना चाहिए। मुनसियारी बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। मुनसियारी आने के बाद भी आप कुछ अलग अलग जगहों पर घूमने जा सकते हैं, जैसे नंदा देवी टेम्पल। मुनसियारी मेन बस स्टैंड से नंदा देवी टेम्पल के बीच की दूरी मात्र 2.8 किलोमीटर है। इस दूरी को आप अपने व्हीकल से भी तय कर सकते हैं। आप वहां पे मौजूद शेयर टैक्सी को भी यूज कर सकते हैं, जो फुल टैक्सी का 400 से 500 रुपए चार्ज करेंगे और आपको नंदा देवी मंदिर तक घुमाकर ले आएंगे। आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा रोड है, आप पैदल ट्रैक करके भी वहां तक पहुंच सकते हैं। नंदा देवी मंदिर तक जाने वाला जो रास्ता है, जो रोड है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। बेहद ही खूबसूरत सीनिक व्यू आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। और नंदा देवी मंदिर तक पहुँचने तक का जो रोड साइड एडवेंचर है, वो भी बहुत ही शानदार रहने वाला है। नंदा देवी मंदिर के स्टार्टिंग पॉइंट से मंदिर के बीच की दूरी 100 से 150 मीटर है, जो आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। मंदिर जब आप पहुंचेंगे, वहां पर आपको एक एंट्री टिकट लेना पड़ेगा जो 20 रुपए रहता है। ये बेसिकली मंदिर के मेंटेनेंस के लिए चार्ज किया जाता। तो फ्रेंड्स, पहुंच चुका हूं मैं नंदा देवी टेम्पल के पास में। मंदिर में एंट्री करने से पहले 20 रुपए का एक पास बनवाना पड़ता है, जो मंदिर के रखरखाव के लिए एक्चुअली पैसे लिए जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से जो व्यू हम देख रहे हैं ना, एकदम A1 क्लास अल्टीमेट व्यू। बहुत शानदार लोकेशन है। मुनसियारी आते हो तो इस प्लेस को मिस मत करना, नंदा देवी टेम्पल आपको आना ही चाहिए। ये देखिए यहाँ से खूबसूरत नज़ारे, और ये छोटी सी कैनोपी टाइप से बनी हुई है, आप यहाँ बैठ सकते हैं। ये है मंदिर की ओर जाने वाला और रास्ता। नंदा देवी मंदिर एक खूबसूरत से ग्राउंड में, एक बड़े से भुग्याल में मौजूद है। यहाँ आप घास का हरा हरा मैदान देखेंगे, साथ में पंचाचुली पीक के बेहद ही खूबसूरत व्यूज को भी आप यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से पंचाचुली पीक का बहुत खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। नंदा देवी मंदिर के आसपास बैठना, कुछ समय बिताना बेहद ही अच्छा अनुभव देता है। अगर आप नंदा देवी मंदिर घूमने आते हैं तो यहाँ कुछ समय जरूर रुकिए, फोटोग्राफी कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए, हिमालय पर्वत के पंचाचुली पीक के खूबसूरत नजारों का लुत्फ जरूर उठाइए। नंदा देवी मंदिर मुनसियारी का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, यहाँ जरूर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा आप मुनसियारी के ट्रिबल हेरिटेज म्यूजियम देखने जा सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर आते हैं तो आपको 3 से 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद म्यूजियम तक पहुंच जाएंगे। आप चाहे तो बाय वॉक ही 10 मिनट पैदल ट्रैक करके भी म्यूजियम तक पहुंच सकते हैं, उस रास्ते से गाड़ी नहीं जा पाएगी। ट्रिबल हेरिटेज म्यूजियम में जो एंट्री टिकट है वो 20 रुपए का है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ ट्रिबल हेरिटेज म्यूजियम के बाहर। ये मेरे पीछे है म्यूजियम, और ये मुनसियारी मेन बस स्टैंड से करीब 5-5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो म्यूजियम में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो एंट्री फीस है वो 20 रुपये है एक व्यक्ति की, और चलिए देखते हैं म्यूजियम को।
ओके तो अभी हम इसको लॉक करते हैं। लॉक हो गया। अच्छा अब आपको मार्केट जाना है, कहीं भी जाना है, इसको निकाला तो रख दिया कहीं ये लॉक हो गया। लॉक हो गया, कोई भी आएगा इतना भी धक्का देगा खुलेगा ही नहीं। अच्छा ये पुरानी लॉक सिस्टम है, बाहर से अंदर आ जाए ये ऐसा लॉक सिस्टम हो जाता है। बहुत शानदार है, खुल गया। ये म्यूजियम बेहद ही खूबसूरत ढंग से बनाया गया है। इस म्यूजियम में आप उत्तराखंड के कल्चर को, उत्तराखंड की पुरानी सभ्यता को बड़े ही बारीकी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस म्यूजियम में एक ऑडियो क्लिप चलाया जाता है, जिस ऑडियो क्लिप में म्यूजियम में रखी सभी वस्तुओं के बारे में डिटेल में समझाया जाता है कि वो क्या चीज है और उसका क्या यूज रहा था पुराने समय में। 1962 से पूर्व सैकड़ों सदियों तक इस क्षेत्र के लोगों का ट्राइबल हेरिटेज 250 पूर्व काष्ठ कला के नमूने की खिड़की। ये एक्सपीरियंस अपने आप में बेहद खास है। इस म्यूजियम से आप गर्म शॉल, गर्म टोपे, मैगजीन और कुछ बुक्स वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। मुंशियारी के इस म्यूजियम में आना भी एक बहुत अच्छा अनुभव रखता है। आप म्यूजियम में एक बार विजिट जरूर करें और यहाँ की खूबसूरती को जरूर एंजॉय करें। इन सब के अलावा आप मुंशियारी के हॉट वाटर स्प्रिंग देखने के लिए जा सकते हैं, जो मुंशियारी से 22 किलोमीटर की दूरी पर मुंशियारी मदकोट रोड पर स्थित है। यहाँ पर आप गर्म पानी के कुंड देखेंगे। मान्यता की इन कुंड में अगर आप नहाते हैं तो आपकी बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इन सब के अलावा मुंशियारी में एक फुटबॉल ग्राउंड भी है, आप चाहें तो उसको भी विजिट करने जा सकते हैं। इन सब के अलावा मुंशियारी आने के बाद कुछ एडवेंचर एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप खलिया टॉप जाते हैं तो खलिया टॉप में आप स्कीइंग कर सकते हैं, खलिया टॉप स्कीइंग के लिए फेमस है, वहां आप स्कीइंग एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो मुंशियारी की गौरी गंगा रिवर में रिवर राफ्टिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस भी अपने आप में बेहद खास रहता है अगर आप मुंशियारी आते हैं तो। बेस्ट टाइम गौरी गंगा में रिवर राफ्टिंग करने का मार्च से लेकर मई तक रहता है, यही सबसे बेस्ट समय है रिवर राफ्टिंग करने का, क्योंकि इसके बाद सर्दियों के मौसम में राफ्टिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। नदी जगह जगह से जम जाती है और पानी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। मुंशियारी पिथौरागढ़ जिले का एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। अगर आप मुंशियारी आते हैं तो बताई गई इन सभी साइट्स पर जरूर जाएं, आप मुंशियारी को ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। बात करते हैं कि बेस्ट टाइम मुंशियारी को घूमने का कब आता है। मुंशियारी अगर आप आते हैं तो आपको मार्च से लेकर जून तक आना चाहिए। ये समय ऐसा होता है कि जब यहाँ की खूबसूरती पीक पर होती है, आप ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ले पाएंगे मुंशियारी को घूमने का। आप जुलाई अगस्त को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो रेनी सीजन होता है और उस समय लैंडस्लाइड की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। इसके बाद आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक भी आ सकते हैं। इस समय वेदर थोड़ा ठंडा होने लगता है और ये समय भी एक अच्छा रहता है मुंशियारी को घूमने का। लेकिन दिसंबर, जनवरी या फरवरी के मंथ में आप आते हैं तो कभी कभी बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो जाने की वजह से रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं, आपको ज्यादा ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा समय आपका लग सकता है मुंशियारी तक पहुंचने में, तो आप इन मंथ को अवॉइड कर सकते हैं। फूड फैसिलिटी मुंशियारी में ठीक है, नॉर्मल आपको आसानी से खाना अवेलेबल हो जाएगा। बात मोबाइल नेटवर्क की करें तो ऑलमोस्ट सभी कंपनी के प्रीपेड पोस्ट पेड सिम मुंशियारी में एक्टिवेट रहते हैं, लेकिन मुंशियारी तक पहुंचने के रास्ते में कुछ जगह एरिया ऐसा है जो पूरी तरह से रिमोट एरिया है, वहां पर मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है, अदरवाइज सभी जगह सभी नेटवर्क एक्टिव रहते हैं। बात करते हैं कि मुंशियारी अगर जाते हैं तो क्या क्या साथ लेकर जाना चाहिए। देखिए आप किसी भी मौसम में जाइए, किसी भी मंथ में जाइए, आपको गर्म कपड़े अपने साथ जरूर से ही कैरी करने पड़ेंगे क्योंकि पूरे साल वहां पर ठंड ही रहती है। आपको कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स वगैरह भी अपने साथ जरूर रखने चाहिए क्योंकि मुंशियारी पहुंचने तक की जो ट्रिप है, जो रोड साइड टूर रहेगा, उसमें कुछ जगह ऐसी होती है जो पूरी तरह से रिमोट है, आपको आसपास में कुछ भी खाने पीने के लिए होटल, रेस्टोरेंट कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो आप अपने साथ स्नैक्स रख सकते हैं। अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं या ग्रुप में अपनी पर्सनल गाड़ी वगैरह सब लेकर आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा पावर बैंक वगैरह भी अपने साथ जरूर रख के ले जाइए, क्योंकि रिमोट एरिया में कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल की बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन होने लगती है, तो ऐसे में आपकी कनेक्टिविटी लॉस हो सकती है, तो एक्स्ट्रा पावर बैंक जरूर से कैरी करें। एक सवाल और उठता है कि कितने दिन का टूर बनाना चाहिए मुंशियारी को घूमने के लिए। देखिए मुंशियारी तक पहुंचने में ही काफी समय लग जाता है और जो रोड मुंशियारी तक जाता है वो बहुत ही खूबसूरत है। जब हम अपने पर्सनल गाड़ी लेकर आते हैं तो हम इन सभी जगहों पर बार बार रुकते हैं और काफी समय भी कंज्यूम हो जाता है, तो हमारा जो टूर मुंशियारी तक रहेगा उसमें ज्यादा दिन हमें लग जाने वाले हैं, तो ऐसे में तीन दिन या 3 रात 2 दिन का टूर काफी रहता है मुंशियारी के लिए। और इसके अलावा प्लस
एक दिन हमें एक्स्ट्रा जरूर रखना चाहिए, क्योंकि रोड साइड एडवेंचर को अगर एंजॉय करना है तो कुछ समय तो एक्स्ट्रा बनता है। बात बजट की करते हैं, अगर मिनिमम बजट की बात करें दिल्ली से, और अगर आप बाई बस आना चाहते हैं, ऑर्डिनरी बस से आना चाहते हैं, तो आप 4,000 से 5,000 रुपए में आसानी से पूरे मुंशियारी को कवर कर पाएंगे। अगर आप बाइक से आते हैं तो भी आप 4,500-5,000 के समथिंग बहुत आसानी से पूरे मुंशियारी को कवर कर लेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल कार लाते हैं तो और भी कम बजट में आप मुंशियारी को घूम पाएंगे। तो ये सब बातें हैं मुंशियारी टूर की। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई सवाल कोई क्वेरी रह रही है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए, आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, ना लगी तो कमेंट कीजिए, क्या अच्छा लगा वो भी बताइए, क्या अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके जाइएगा, ऐसी ही इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।